हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम एनसीईआरटी फिंगर टिप का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमने क्लास प्लस टू केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर के हमने 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। स्टेटमेंट है हमारे पास, व्हाट इज़ द टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन पेंटेन 2-ON एंड पेंटेन 3-ON। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम किसको यूज़ करेंगे? तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम आइडोफॉर्म टेस्ट यूज़ करते हैं। पेंटेन 2-ON जो है वो हमें पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, लेकिन पेंटेन 3-ON जो है वो हमें नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हम आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, हमें जो है वो एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है एसिड के अंदर। तो इसके लिए सिर्फ एल्डिहाइड को जब हमें रिड्यूस करना हो तो इसके लिए जो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो हमारा टोलन्स रिएजेंट होता है, क्योंकि वो सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप को ही जो है वो एसिडिक ग्रुप में जो है वो कन्वर्ट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर द फंक्शनल आइसोमर, ये सही है स्टेटमेंट। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन, ये भी स्टेटमेंट सही है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कन्वर्ट कीटोन इंटू सेकेंडरी अल्कोहल, ये स्टेटमेंट भी सही है। आगे है, इथेनॉल एंड प्रोपिनॉन गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म, ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। इथेनॉल तो हमें जो है वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, लेकिन प्रोपिनॉल जो है वो हमें पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, और हमें यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 33 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द फाइनल प्रोडक्ट जेड इज, हमें जो है वो इसके अंदर फाइनल प्रोडक्ट बताना है कि क्या होगा। पहले जब हम एसिटाइलिन को HG2 पॉजिटिव और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास CH3CHO। आगे इसको ग्रिगनार्ड रिएजेंट और वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारे पास ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास CH3CH3। आगे इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये जो है वो हमें कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा CH3C OH CH3, यानी कि ये बन जाएगा प्रोपेनॉन। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड विद द रिएक्शन, हमें बताना कि कौन से रिएजेंट मैच नहीं हो रहे हैं। फर्स्ट में जो है वो हमें एल्डिहाइड को जो है वो चेंज करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसके लिए हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को यूज़ कर सकते हैं, तो ये करेक्टली मैच्ड है। सेकेंड में जो है वो हमें एल्डिहाइड को फिर से जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट किया इस बार, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ H2 और प्लेटिनम। H2 और प्लेटिनम क्या करते हैं, ये अनसेचुरेशन को जो है वो कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जहाँ कहीं पे अनसेचुरेशन है ये सबको जो है वो रिड्यूस कर देती है। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड भी जो है वो कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, तो ये प्रोडक्ट हमारा गलत है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड इन द गिवन रिएक्शन, हमें जो है वो आइडेंटिफाई करना है एक्स वाई और जेड को। सबसे पहले है हमारे पास कीटोन, कीटोन को I2 के साथ फॉर्म प्लस NaOH के साथ रिएक्ट करके हीट करेंगे तो हमारे पास CH3, यानी कि आइडोफॉर्म बनेगी, जो कि पहले तीनों ही ऑप्शंस में है, ए में भी है, बी में भी है, सी बी में भी है। आगे इसको जो है वो इसको आगे सिल्वर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा CH CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो हमारे पास ये एसिटाइलिन बन जाएगी। आगे इसको HG2 पॉजिटिव और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा CH3CHO, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। इनमें भी आइडेंटिफाई ही करना है हमें एक्स वाई और जेड को।
सबसे पहले ये एसिटाइलिन है, इसको जो है वो किसके साथ किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएं कि एल्डिहाइड बन जाए, तो इसके लिए हम जो है वो HG2 पॉजिटिव और H2SO4 को यूज़ करते हैं, तो सी ऑप्शन भी हो सकता है और डी ऑप्शन भी हो सकता है। आगे ये जो है वो एल्कोहल में कन्वर्ट होगा और जो है वो एक CH3 ग्रुप भी ऐड हुआ है। जब भी हमें एक CH3 एक कार्बन को जो है वो ऐड करना होता है तो हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे वाई ऑप्शन में ग्रिगनार्ड रिएजेंट आएगा। आगे जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन करिए, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट आंसर आइडोफॉर्म टेस्ट, इसमें से कौन सी जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगी। तो एन ब्यूटाइल अल्कोहल जो है वो हमें आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, कार्बोनल ग्रुप सॉरी प्रेजेंट नहीं है। आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो सिर्फ कार्बोनल ग्रुप ही देता है, यहाँ पे कोई कार्बोनल ग्रुप नहीं है, तो इसीलिए जो है वो हमारी एन ब्यूटाइल अल्कोहल जो है वो हमें आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, कंपाउंड ए हैविंग द मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12O ऑन ऑक्सीडेशन गिव अ कंपाउंड बी विद मोलिकुलर फॉर्मूला C5H10O, कंपाउंड बी गेव अ 2,4-dinitrophenylhydrazine डेरिवेटिव बट डिड नॉट आंसर द हेलोफॉर्म टेस्ट और द सिल्वर मिरर टेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड ए। जो हमारा कंपाउंड ए है वो हमें ऑक्सीडेशन होने के बाद जो है वो एक मोलिकुलर फॉर्मूला देता है C5H10O, जो कि आगे जो है वो 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करके जो है वो डेरिवेटिव बनाता है, यानी कि ये तो कंफर्म है कि उसके अंदर जो है वो कार्बोनल ग्रुप प्रेजेंट है। इस मोलिकुलर फॉर्मूले के अंदर कार्बोनल ग्रुप प्रेजेंट होगा ये तो कंफर्म करता है हमारा 2,4-DNP टेस्ट जो है वो ये कन्फर्म कार्बन ग्रुप के प्रेजेंस को कन्फर्म करता है। लेकिन आगे जो है वो ये जो है वो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो कार्बनल ग्रुप है ये एल्डिहाइड तो नहीं है, ये एल्डिहाइड ग्रुप नहीं हो सकता है क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। आगे क्योंकि ये सिल्वर मिरर टेस्ट भी नहीं देता है, तो इसका मतलब ये है कि सॉरी मेरे से एक मिस्टेक हुई, मैंने उल्टा बोल दिया, क्योंकि ये जो है वो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहे हैं दे रहा है कंपाउंड, इसका मतलब ये होगा कि ये जो है वो हमारा जो है वो मिथाइल कीटोन नहीं होगा। हेलोफॉर्म टेस्ट जो है वो कीटोन्स देते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट जो है वो हमें एल्डिहाइड देते हैं। क्योंकि ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं दे रहा है इसलिए ये एल्डिहाइड तो नहीं होगा, इसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ये 100% कोई ना कोई कीटोन ही है। क्योंकि ये हेलोफॉर्म टेस्ट भी नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा मिथाइल कीटोन भी नहीं है, क्योंकि मिथाइल कीटोन जो है वो हमारा मिथाइल कीटोन जो है वो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, तो ये मिथाइल कीटोन भी नहीं है। अब क्योंकि ये कीटोन है तो ये किसी ना किसी सेकेंडरी अल्कोहल से ही बना होगा, यानी कि हमारा जो कंपाउंड ए होना चाहिए वो कोई ना कोई सेकेंडरी अल्कोहल ही होगा, तो ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल नहीं है, प्राइमरी है, ये हमारा जो है वो एक सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसके राइट होगा, यही जो है वो हमें कीटोन प्रोवाइड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 के लिए ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, टू डिफरेंशिएट बिटवीन पेंटेन 2-ON एंड पेंटेन 3-ON अ टेस्ट इज कैरिड आउट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। पेंटेन 2-ON गिव द सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। पेंटेन 2-ON गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट, ये बिल्कुल सही है, पेंटेन 2-ON जो है वो हमें आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।